हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल 2021 जो कि सबसे बड़ा डिस्काउंट वाला सेल है, वो हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, एज वेल एज पोको F3 GT एडिशन क्या हमें 25,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, रियलमी की 9 सीरीज हमें इंडिया में कब मिलेगी, क्या प्राइस पॉइंट पे मिलेगी, ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 184 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्म गर्म क्वेश्चन का गर्म गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, कल के दिन हमने एक बहुत ही धमाकेदार कंबाइंड वीडियो डाले थे जिसमें मैंने आपको Xiaomi का Mi 11 Lite, Samsung का M32 एज वेल एज Narzo 30 का 4G वेरिएंट, 5G वेरिएंट जो अभी आने वाले 4 दिनों में लॉन्च होने वाले, कंप्लीट 100% स्पेसिफिकेशन बताया था, प्राइस पॉइंट बताया था, लॉन्च डेट बताया था। तो अगर आपको लॉन्च से पहले सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। 4 स्मार्टफोन का मतलब एक साथ में बताया था। जरूर से ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये पूछते जैद सिद्दीकी, ये बोलते सर माय क्वेश्चन इज इफ यू यूज योर स्मार्टफोन व्हाइल चार्जिंग डज इट अफेक्ट द बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन। तो नहीं, कभी कभार अगर आप चार्जिंग के टाइम पे फोन इस्तेमाल करते हो तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हो इमरजेंसी केस में, लेकिन आप बार बार गेम भी खेल रहे हो, चार्जिंग पे भी लगा रहे हो, तो डेफिनेटली जो फोन का टेम्परेचर बढ़ेगा, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आगे चल के जो बैटरी की जो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ रहती है थोड़ी कम हो सकती है। तो मैं बोलूंगा हाँ, इमरजेंसी है, कभी कभार अगर आप इस्तेमाल करो चार्जिंग के टाइम पे कोई इशू नहीं है, लेकिन बार बार अगर आप चार्जिंग के टाइम इशू मतलब यूज करोगे तो डेफिनेटली आगे चल के जो आपकी बैटरी की हेल्थ है वो कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे प्रकाश शॉ, ये बोलते हैं डस टर्निंग ऑन द बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर अफेक्ट द बैटरी लाइफ ऑफ द स्मार्टफोन। नहीं भाई, बैटरी सेविंग मोड अगर आप ऑन करते हो या अल्ट्रा बैटरी सेविंग वगैरह ऑन करते हो तो कोई इशू की बात नहीं है, आप जितनी मर्जी कर लो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली ये जो अल्ट्रा पावर सेविंग मोड वगैरह रहते हैं ये क्या करते हैं, आपके बैकग्राउंड प्रोसेस जो बैटरी खींच रहा है, जो रैम खींच रहा है, जो सारी चीजें जो ब्राइटनेस वगैरह ले रहा है फोन, उसको टोन डाउन कर देता है, कम कर देता है यूजेज को, ताकि आपको ज्यादा आउटपुट मिल सके बैटरी से। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अल्ट्रा सेविंग मोड दिन भर भी आप चालू करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे अविनाश बोरा, ये बोलते हैं न्यू फोन परचेस करना है अंडर 15K कौन सा बेस्ट रहेगा, प्रायोरिटीज है कैमरा प्रोसेसर स्टोरेज 18 प्लस चार्जर बेस्ट लॉन्चर स्पेशली योर सजेशन प्लीज रिकमेंड। तो मेरा 15,000 रुपए वाले कल वीडियो मैंने डाला था, नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। और डायरेक्टली मुझसे पूछते हो तो मैं रेडमी नोट 10 प्रो का बेस वेरिएंट आपको बोलूंगा, ऑफर में 15,000 रुपए में मिल जाता है, डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन स्टोरेज 64GB मिलेगी। तो अगर आपको 128GB स्टोरेज वगैरह चाहिए तो मैं बोलूंगा रियलमी 7 प्रो का 128GB प्लस 6GB वाले का ऑफर का वेट करो, वो भी 15,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे यहां पर शहजाद असलम, ये बोलते हैं हेलो सर माय क्वेश्चन इज रेडमी गेम एनहांस एडिशन AKA पोको F3 GT का ब्रूसली एडिशन इंडिया में आएगा या नहीं, और आएगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी सर। तो पोको F3 GT डेफिनेटली जो गेम एनहांस एडिशन चाइना में लॉन्च हुआ था उसी को रीब्रांड करके पोको इंडिया में लॉन्च करने वाला है थर्ड क्वार्टर में, मतलब ये स्मार्टफोन आपको अराउंड अगस्त के आसपास के मंथ में देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट विल भी अराउंड 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। एंड ब्रूसली एडिशन मुझे नहीं लगता इंडिया में आएगा, वो सिर्फ चाइना के लिए था। नॉर्मल जो एडिशन है ये पोको अपना रीडिजाइन करके बैक पैनल को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 25,000 से 30,000 के बीच में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर उत्तम परीक, ये बोलते हैं रेडमी नोट 10 प्रो वर्सेस रियलमी 8 वर्सेस रियलमी 7 प्रो। तो ऑफ कोर्स रेडमी नोट 10 प्रो फार बेटर ये दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर अब्दुल रहीम शेख, ये बोलते हैं हेलो भाई, यू आर अपलोडिंग 2 to 3 वीडियोस डेली, आर यू गेटिंग इनफ टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। देखो मैं घर पे ही, यहां पर मेरा ऑफिस है, बेसिकली आप बोल सकते हो बेडरूम से यहां पर मैं शूट करता हूं, तो घर वाले पास में तो रहते हैं लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता हूं, बिकॉज 2 से 3 वीडियो हम रोज की यहां पर अपलोड करते हैं, तो उसमें एडिटिंग, टॉपिक ढूंढना, फिर शूट करना, फिर एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर नई वीडियो के बारे में रिसर्च करना, तो मतलब पूरा दिन इसी में चले जाता है, तो बातचीत तो बहुत कम होती है, लेकिन हाँ टाइम दे देते हैं। बट जी हाँ, इसमें भी टाइम बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है यूट्यूब है यार बैठ के क्या वीडियो बनाना है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप दिन की 2-3 वीडियो बना रहे हो तब आपको आगे चल के
पता लगेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते हैं डॉक्टर मैवरिक, ये बोलते हैं रियलमी X9 और X9 Pro की प्राइस पॉइंट क्या रहेगी एंड हमें कब देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं X9 सीरीज जो है जुलाई के महीने में बताया जा रहा है चाइना में, मिड जुलाई के आसपास जो है चाइना में लॉन्च होने वाली है, उसके बाद ही में मतलब अगस्त या सितंबर तक के जो है ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। X9 की प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है 20 से 25 हजार रुपए देखने को मिलेगी, जबकि प्रो वाला वेरियंट जो है बताया जा रहा है 30 से 35 हजार रुपए की प्राइस पॉइंट देखने को मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहे रियलमी पैड या मी टैबलेट कौन सा जल्दी आएगा और उसकी प्राइस पॉइंट क्या रहेगी। तो दोनों भी जल्दी नहीं आने वाले हैं, 2021 के एंड में बताया जा रहा है रियलमी पैड आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, लैपटॉप भी देखने को मिलेगा, मी टैबलेट का तो मुझे आता पता नहीं है, जैसे मुझे पता चलेगा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एंड प्राइस पॉइंट क्या स्पेक्स देंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन पकड़ के चलो 20-25 हजार रुपए की रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे देवेंद्र सिंह, ये बोलते हैं व्हेन वी एक्सपेक्ट रियलमी 9 सीरीज लॉन्च। तो Realme 8 सीरीज की सक्सेसर Realme 9 सीरीज की अगर हम बात करें तो अराउंड ये आपको सितंबर के महीने में या अगस्त के एंड तक के ही देखने को मिलेगा, उससे पहले कोई आने के चांसेस नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली Realme 8 सीरीज आई है, तो इसका डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ सकता है। एंड प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वही 15 हजार रुपए से लेके 20-25 हजार रुपए के बीच में ही दोनों स्मार्टफोन की सीरीज जो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे जैद सिद्दीकी, ये बोलते हैं सर आपकी एज क्या है एंड आर यू मैरिड, बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस भाई, एंड मेरी एज आपको कितनी लगती है। मेरी एज है 27 इयर्स एंड अगर हम बात करें हाँ तो डेफिनेटली मैं मैरिड हूं, अभी रिसेंटली मतलब कुछ ही टाइम पहले यहां पर मैं मैरिड हुआ हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे रिपन दे, ये बोलते हैं आई हैड बाई Redmi Note 10 Pro Max 5 डेज अगो, इज इट वर्थ टू बाई बिकॉज देर इज नो 5G, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर ऑफ 4G, इफ द 5G कम्स द 4G विल बी स्लो। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, Redmi Note 10 Pro Max आराम से इस्तेमाल करो, एक डेढ़ दो साल भी चले जाएगा, उसके बाद में 5G जब आएगा तब की तब देखना, अभी जब तक क्या 5G आएगा जब तक आपका ये फोन पुराना हो जाएगा तो 4G के मजे लो एंड 5G आ भी जाता है तो कोई भी 4G की स्पीड हाँ थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की या टेंशन की बात नहीं है एंड बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपने परचेस करे तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर डेंजर गाय बिग गाय, ओके इनके आईडी का नाम है, ये पूछ रहे ब्रो बेस्ट फोन अंडर 40 के OnePlus 9R और OnePlus 8T, विच फोन शुड आई बाय फॉर 3-4 इयर्स, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, मैं बोलूंगा 9R के साथ में जाओ बिकॉज नया स्मार्टफोन है, इसलिए 8T थोड़ा पुराना हो चुका है, आगे चल के आप बेचने भी जाओगे तो रीसेल इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, तो 9R के साथ में जा सकते हो, 870 आपको देखने को मिलता है, 3-4 साल आराम से चल जाएगा, ऑक्सीजन OS मक्खन। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे सैयद इनाम, ये बोलते हैं आई नीड अ फोन फॉर हैवी गेमिंग एंड कैमरा अंडर 20K, विच फोन शुड आई बाय। तो हैवी गेमिंग चाहिए एंड कैमरा डिसेंट वगैरह चाहिए तो पोको X3 Pro इज द बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली आप जा सकते हो। नेक्स्ट यहां पर पूछ रहे सुमित मित्रा, ये बोलते हैं विच इज बेटर OnePlus Note CE और Samsung Galaxy A52। तो अगर मेरा उतना बजट रहता तो मैं Realme X7 Max के साथ में जाता, ये दोनों ही स्मार्टफोन आप बोल सकते हो थोड़े थोड़े ओवर प्राइस है, लेकिन ये दोनों में से सेलेक्ट करने को बोलेंगे तो मैं OnePlus Note CE के साथ में जाऊंगा, 5G मिल रहा है, स्लाइटली बेटर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है एंड ऑक्सीजन OS वगैरह के थोड़े मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। जैसे Samsung A52 मैं बोलूंगा 4G वाला बाय मत करो, 5G वाले वेरिएंट का वेट करो, वहां पर हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, बेटर प्रोसेसर मिलेगा, तो A52 4G वाला मैं रिकमेंड नहीं करता, 5G का वेट करो या Note CE के साथ में जाओ या Realme X7 Max के साथ में भी आप जा सकते हो अगर आपका बजट अराउंड 25-26 हजार रुपए के आसपास है तो। नेक्स्ट यहाँ पर निरंजन साहू, ये बोलते हैं भाई आपका YouTube चैनल खोले कितना मंथ के बाद आपकी फर्स्ट अर्निंग आई थी। तो YouTube मैंने चैनल खोला था 2017 में एंड अराउंड 6 मंथ के आसपास लगा था मुझे पहली पेमेंट मिलने में एंड पहली पेमेंट मेरी कैसे आई थी पता है, स्टार्टिंग में आपको जो है महीने का अगर आपका $100 नहीं होगा तो आपकी पेमेंट मतलब नहीं बनती है YouTube की तरफ से। तो मुझे 3 महीने लगे थे मतलब $40, $40, $35 ऐसे करके जो है पहली अर्निंग में अभी भी याद है 9000 रुपए के आसपास कुछ आई थी एंड मतलब वो फीलिंग मतलब आज ज़्यादा अर्निंग आती तो भी वो फीलिंग नहीं आती जो पहली अर्निंग में आई थी। तो यस 6 मंथ के अराउंड मुझे पहली अर्निंग आने में टाइम लग गया था एंड ये बोल रहे भाई आप सेटअप टूर कब करो, ओके लव योर कंटेंट। तो सेटअप टूर क्या है मतलब बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, आगे चल के इन फ्यूचर अगर चांस मिला तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रजत, ये बोलते हैं OnePlus Note CE इज नॉट वर्थ बाइंग, कैन वी एक्सपेक्ट एनी बेटर ऑफ फोन इन दैट प्राइस, कैन पोको F3 GT कम क्लोज टू दैट रेंज।
तो पोको F3 GT will be around 25 से 30,000 रुपीस के बीच में देखने को मिलेगा। एंड आपको 2 महीने का वेट करना पड़ सकता है, तो अगर आप कर सकते हो डेफिनेटली मैं बोलूंगा वेट कर लो। एंड फिलहाल के लिए अगर आपका 25,000 रुपए के आसपास का बजट है, थोड़ा बजट बढ़ा के X7 मैक्स ले सकते हो, अदरवाइज मैं बोलूंगा वेट कर लो और अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आपको जो है जुलाई के आसपास मंथ में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राउडी राठौड़, ये बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल 2021 कब आएगा, बिग डिस्काउंट वाला सेल, प्लीज रिप्लाई, लव यू सर। लव यू टू भाई। एंड फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल, बिग सेविंग डेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, जो साल का जो सबसे बड़ा सेल रहता है, धमाकेदार ऑफर मिलते हैं, वो आपको अक्टूबर मतलब दिवाली से कुछ दिन पहले देखने को मिलेगा। उससे पहले बिग बिलियन डे सेल नहीं मिलेगा, हाँ बिग सेविंग डे सेल एंड ये सेल वो सेल फ्लिपकार्ट के जो नॉर्मल आते हैं वो मिलेगा। बिग बिलियन डे सेल 2021 अक्टूबर की मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ चौधरी, ये बोलते हैं यासिर भाई बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000, तो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स मुझे सबसे बेस्ट कैमरा लगा। जो मैक्रो की बात करो, नॉर्मल 108 मेगापिक्सल कैमरे की बात करो, डिटेलिंग वगैरह जबरदस्त है, बेस्ट कैमरा फोन है अंडर 25,000 रुपीस की रेंज में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर विजू भाई, ये बोलते हैं ब्रो रियलमी नार्जो 30 4G का प्राइस क्या होगा 464 वाले वेरियंट का, तो 464 आएगा तो प्राइस पॉइंट, दो प्राइस पॉइंट मैंने गैस करो 13,000 या 14,000, इसमें दोनों में से एक प्राइस पॉइंट ही आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। एंड रियलमी ने तो कंफर्म कर दिया है कि हीलियो G95 के साथ में आने वाला सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है नार्जो 30 4G, तो आप पकड़ के चलो 13,000 रुपए के आसपास ही आपको प्राइस पॉइंट बेस रेंज की देखने को मिलेगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं विमल पाल, ये बोलते हैं भाई मेरा बजट है 25,000 रुपीस का एंड मुझे लंबा 3 से 4 साल के लिए फोन लेना है, सैमसंग का A52 लू या रियलमी X7 मैक्स लू, लव योर ऑनेस्ट कंटेंट। थैंक्स फॉर लविंग माय ऑनेस्ट कंटेंट भाई। A52 4G वाला मत लेना, रियलमी X7 मैक्स डायमेंसिटी 1200 के साथ में जबरदस्त है, उसके साथ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर FF गेमिंग, ये बोलते हैं शुड आई बाय 5G फोन अंडर 15K, मत यार मतलब पैसे बर्बाद मत करो 5G के चक्कर में, स्पेक्स वगैरह मतलब पूरे खराब हो जाते हैं, तो 15,000 रुपए में 4G फोन लो, बेटर आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर दिगंबर सिंह गुर्जर, ये बोलते हैं रियलमी नार्जो 35 5G में फास्ट चार्जिंग 18 वॉट या 13 वॉट की होगी, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन होगा क्या, या इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा क्या, तो यस चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन तो ये बन सकता है, 13,500-14,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। एंड 4G वाले वेरिएंट में 30 वॉट की चार्जिंग रहेगी, 5G वाले में 18 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, कंफर्म है। एंड यस नॉइस कैंसिलेशन वैसे रहेगा नहीं रहेगा भाई, फोन आने दो उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहां पर मोहित बक्सानी, ये बोलते हैं सर प्लीज मेक अ वीडियो बेस्ट फोन अंडर 30K, पर सीधा सीधा आंसर है ना IQ7 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 30,000 रुपीस का अगर आपका बजट है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर राजेंद्र सिंह, ये बोलते हैं भाई कैसे हो आप, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे शुड आई बोर्ड IQ7 और शुड आई वेट फॉर रियलमी X9 प्रो और OnePlus Nord 2 और एनी अदर फोन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो अगर आप वेट कर सकते हो मैं बोलूंगा अगस्त सितंबर के आसपास का वेट करो, बहुत सारे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे अंडर 30,000 रुपीस की रेंज में। लेकिन अभी के अभी अगर आप पूछते हो भाई सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो IQ7 इज द बेस्ट एंड द किलर ऑप्शन अंडर 30,000 रुपीस। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं लवीश बंसाल, ये बोलते हैं पोको X3 GT लॉन्च डेट एंड प्राइस, तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है जुलाई की एंड में या अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। रेडमी नोट 10 प्रो 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 1100 चिपसेट के साथ में, उसी को रीब्रांड करके इंडिया में पोको X3 GT के नाम से ग्लोबल मार्केट्स में भी यही नाम से देखने को मिलेगा। प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 20,000 रुपीज के आसपास की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे आर्यन आनंद, ये बोलते हैं रेडमी नोट 10 प्रो में बहुत ज्यादा लोगों की बैटरी ड्रेन इशू लेट चार्जिंग इशू आ रहे हैं, तो वो खरीदना सही होगा क्या, ये डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, कोई कोई यूनिट में हो जाता है, मतलब हर एक स्मार्टफोन में आपको कुछ ना कुछ कोई कोई यूनिट में बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इश्यूज वगैरह आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा लगता है फोन, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर के नाजिया, ये बोलते हैं भाई आप कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मेरे भाई क्या 2022 में पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा क्या, मेरे जहाँ तक के लगता है मेजर सिटीज में तो आ सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में मतलब पूरा आना बहुत मुश्किल है। और ये पूछ रहे और 5G नेटवर्क से हमारी हेल्थ को नुकसान होगा क्या, तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ भी नुकसान होगा। एंड तीसरा पूछ रहे क्या 5G रिचार्ज प्लान महंगे होंगे क्या, डेफिनेटली महंगे होंगे यार, 4G के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना महंगा रहने वाला है, तो यस 5G तो हम करते हैं, लेकिन प्लान्स के रेट भी बढ़ जाएंगे एंड डेटा वगैरह भी कम मिलेगा, वो चीज़ का भी हमें यहाँ पर ध्यान
देना पड़ेगा। तो गैस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई दे दिया हूँ। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।